जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास फिर से गाइस Redmi Note 12 5G। हमने पिछला वीडियो क्रिएट किया था इस स्मार्टफोन के कैमरा टेस्ट के ऊपर, वहां पर आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया। बट दोस्त, आज के इस वीडियो में और आज से ही हम इस चैनल पे कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे, अलग अलग वीडियो आएगी, थोड़ा हटकर वीडियो हम क्रिएट करना चाहते हैं। गाइस देखिए, आज हम इस फोन को पूरा दिन भर यूज करने वाले हैं और यूज करने के बाद आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इस स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस, फोन यूज करने में कैसा है, लैग करता है या नहीं, हीट करता है या नहीं, गेमिंग करेंगे, थोड़ा हैवी टास्क करेंगे। मतलब गाइस, यहां पर आप लोगों ने टाइटल देखा, मैं अपने पूरे एक दिन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और यहां पर इस फोन के अंदर हैवी टास्क इसलिए करेंगे क्योंकि आपको भी पता है ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 4 Zen 2 प्रोसेसर के साथ में आता है, काफी तगड़ा प्रोसेसर यूज किया गया है, तो भाई उस हिसाब से टेस्टिंग भी करना बनता है। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा एक दिन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर ही करूंगा। और हाँ, उम्मीद करता हूँ हम कुछ डिफरेंट ट्राई करने जा रहे हैं, आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, सपोर्ट दिखाना है प्लीज, एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रतीक, आप सभी देख रहे हो टेक टॉक। अभी आप देखोगे सुबह के 8:19 हो रहे हैं, फोन को देखोगे तो 98% फुल चार्ज है। और एक चीज अभी से आप नोटिस करते हुए चलिए, देखोगे अभी उतना तगड़ा धूप भी नहीं निकला है, हल्का हल्का सूरज की रोशनी आ रही है, फिर भी धूप के अंदर इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है ना, उतना ज्यादा विजिबल नहीं है। और दोस्त, हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा ब्लॉग की तरह लगे, प्लीज मैनेज कर लेना क्योंकि इस फोन को यूज करना है, अब सेटअप पे बैठ के तो यूज नहीं कर सकते। वैसे अभी हम रील्स देख रहे हैं, यहाँ पर देखोगे तो शुरुआत हमने रील्स से किया है। दोस्त, अराउंड हमने इस फोन के अंदर यहाँ पर 1 घंटा यहाँ पर रील्स देखा और अभी जो टाइमिंग हो रहा है 9:46 हो रहा है, यहाँ पर 84% बैटरी बचा हुआ है। और भाई, 1 घंटा हमने जितना रील्स देखा ना भाई, राव साहब ने तो इंस्टाग्राम को भी हैंग कर दिया है बिग बॉस के साथ साथ, जितने भी रील्स आ रहे हैं यहाँ पर इलविश यादव। वैसे आप किसे सपोर्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना, फुकरा इंसान या इलविश यादव। बाकी अभी जा रहे हैं फोन को लेकर एक थंबनेल क्लिक करने, जो पिछला हमने वीडियो बनाया था कैमरा टेस्ट के ऊपर इस स्मार्टफोन को लेकर, उसका थंबनेल मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि जब थंबनेल हमने क्लिक किया था धूप अच्छा नहीं निकला हुआ था, बट आज हल्का हल्का धूप निकला है, वैसे हवा भी चल रहा है। और ये पीछे आपको जो पौधा दिख रहा है ना, गांव में इसे मदार कहते हैं, और इस पौधे का हम इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं ना, मतलब थंबनेल क्लिक करना रहा, वीडियो रिकॉर्ड करना रहा, कोई फोटो क्लिक करना रहा, इस पौधे का यूज़ करते हैं। वैसे देखोगे तो पौधा देखने में अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे थंबनेल के साथ साथ इस फोन से कुछ फोटो भी क्लिक किए हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप फोटो के अंदर क्वालिटी देखोगे, बेटर क्वालिटी है, प्राइस के अकॉर्डिंग अगर जज करने जाओगे तो आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखोगे लाइटिंग प्रॉपर तरीके से बैलेंस है फोटोज के अंदर, HDR भी आपको बैलेंस की ओर देखने को मिलेगा, और जो स्किन टोन है ना, हल्का हल्का ब्यूटी अप्लाई है बट स्किन टोन भी आपको ओरिजिनल देखने को मिलेगा। आप इससे फोटो क्लिक करोगे ना, आपको ओरिजिनल कंडीशन में फोटो प्रोवाइड करता है, कलर को बूस्ट नहीं करता। और ये सेल्फी के आप फोटो देख लीजिए, ओरिजिनल फोटो आए हैं, यहाँ पर सेल्फी भी काफी बेटर है, लाइटिंग बैलेंस है, यहाँ पर HDR भी प्रॉपर तरीके से बैलेंस है। अगर मैं इसके कैमरे को प्राइस अकॉर्डिंग जज करने जाऊं तो यहाँ पर काफी बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस प्राइस रेंज में ऐसा कैमरा शायद ही आपको किसी स्मार्टफोन में देखने को मिले, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो। इसी के साथ बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 6.79 इंच के फुल HD डिस्प्ले के साथ में आता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और यहीं पर इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में हमने एक चीज नोटिस किया, इनडोर के लिए इसका डिस्प्ले काफी बेस्ट है, बट आप आउटडोर धूप में यूज करते हो ना, थोड़ा सा यहाँ पे जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले है ना, वो कम विजिबल होता है, मतलब स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो थोड़ा कम दिखाई देगा, तो धूप में यूज करोगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर आप बेजल्स को नोटिस करोगे, नॉर्मल बेजल्स है। यहीं पर आप यूट्यूब पर आते हो, किसी भी वीडियो को यहाँ पे प्ले करते हो ना, आप 1080p 60fps पे किसी भी वीडियो को प्ले कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग काफी बेस्ट डिस्प्ले है, जिस हिसाब से पैसा लगा रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब पर या कोई मूवी देखते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बेस्ट डिस्प्ले दिया गया है। ओके, तो इस फोन को यूज करते करते अराउंड 6 घंटा बीत चुका है, हम सुबह 8 बजे से यूज कर रहे थे और अभी आप टाइमिंग देखोगे 2 बज रहे गाइस। यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज है 52% बैटरी इसके अंदर अभी भी बचा हुआ है, 6 घंटा यूज करने के बाद भी आधा बैटरी खपत हुआ है, आधा बैटरी अभी ऐसे ही बचा है, अभी और यूज करना है। अब बारी आती है गाइस इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, स्नैपड्रैगन 4 Zen 2 प्रोसेसर को यूज किया गया है, परफॉर्मेंस टेस्ट करना बनता है। परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे,
इसके अंदर गेमिंग करते हैं। यहाँ पर हमने गेम को ओपन कर लिया है, फ्री फायर खेलने जा रहे हैं। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मैं तो कमेंट सबके पढ़ता हूँ, सब बोलते हैं बीजीएमआई खेला करो भाई, फ्री फायर में क्या रखा है। बट दोस्त आपको बता दूं ना, अपनी पसंद होती है, सब लोगों का एक ही पसंद नहीं हो जाएगा कि सब बीजीएमआई खेलने लगे, सबकी पसंद अलग अलग होती है। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद, डिस्प्ले में आने के बाद, यहाँ पर देखोगे ग्राफिक्स को मैंने मैक्स पे कर दिया है, यहाँ पर रेजुलेशन भी हाई पे है और FPS को भी मैंने हाई पे कर दिया है। मतलब गेमिंग करेंगे तो नाम का नहीं, अच्छे से गेमिंग करेंगे। अराउंड गाइज इस फोन के अंदर हमने यहाँ पर 2 घंटा कंटिन्यू गेमिंग किया, और गेमिंग करते करते ना काफ़ी ज़्यादा थकान हो गया है, क्योंकि इस फ़ोन को सुबह 8 बजे से हम यूज़ कर रहे हैं। और अभी आप टाइमिंग देखोगे, अभी जो टाइमिंग हो रहा है यहाँ पे 4:19 हो रहा है, 20% बैटरी इस स्मार्टफोन के अंदर अभी बचा हुआ है। मतलब अगर मैं इसे यूज़ करना चाहूँ ना, 1 घंटा और यूज़ कर पाऊँगा। इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, बट 5000 mAh के बैटरी के हिसाब से जो इसका आउटपुट निकल कर आया है, काफ़ी अच्छा बैकअप है। दिन में आप एक बार चार्ज करोगे, अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो अराउंड आप इसे 8-9 घंटा कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। और एक्सपीरियंस शेयर करूँ गाइस, देखिए इस फ़ोन को 8 घंटा हमने कंटिन्यू यूज़ किया है, और यही 8 घंटा नहीं गाइस, 2 दिन पहले हमें डिलीवर हुआ था, हम 2 दिन से फ़ोन को यूज़ करते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइस। मैं आपको ओवरऑल बताऊँ, प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट है, और जो हमने गेमिंग किया, गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेटर रहा, और प्रोसेसर भाई काफ़ी तगड़ा है। हमने गेमिंग किया तब जाकर पता चला, यहाँ पर हम जब गेम खेल रहे थे फ़ोन थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा था, प्लस हम गेमिंग कर रहे थे, आपको पता है कि हमने ग्राफिक्स को मैक्स पे कर दिया था, हाई FPS पे गेमिंग कर रहे थे इस फ़ोन के अंदर, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, लैगनेस ना के बराबर देखने को मिला, ना ही हीट हो रहा है ना ही लैग कर रहा है। ओवरऑल गाइस इस स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस रहा, हमने इतना टाइम यूज़ किया, काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सोच रहे हो इस स्मार्टफोन को बाय करने के लिए, तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हो, गेमिंग करते हो फिर भी बाय कर सकते हो, नॉर्मल यूज़ करते हो फिर भी आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ जाते जाते सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो। चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।